तो आज है 8th of November एंड मैं अभी स्कूल से हाफ डे का लीव लेके घर पे जा रही हूँ। एंड व्लॉग करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि एज यूजुअल डेली रूटीन चल रहा था। एंड मुझे खबर मिलती है कि एक्सीडेंट हो गया मॉम का, तो आई वॉज लाइक जाके देखते हैं एंड पता करते हैं कि क्या सीन हुआ है, क्योंकि पिक्चर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, पिक्चर से मेजर लग रहा है एंड देख के ऐसा लग रहा है कि यार खतरनाक हुआ एक्सीडेंट। लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मेरे छोटे भाई के जो है वो बोर्ड्स चल रहे हैं जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई हैव टू लीव। सो अभी फ़िलहाल मैं घर पे आई हूँ, अपना हाथ मुंह धोया एंड अभी मैं अपना बैग बैग पैक करूँगी एंड बाय 3:30 मैं स्टेशन के लिए निकल जाऊँगी। ऑल द मोर इट्स ज़्यादा टफ है क्योंकि एक तो बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, मेरे पास डेज कम है लीव के और आई नो मेरी सैलरी डिडक्ट होगी, बट एट द सेम टाइम वहाँ जाना भी ज़रूरी है, तो जाते हैं और लगे हाथ एक दो काम भी निपटा लूँगी जो मेरे पेंडिंग थे वो भी हो जाएंगे साथ में, तो देखेंगे कैसा सीन रहता है क्या रहता है, आई हैव नो आइडिया। एंड बाय संडे तक मैं वापस आ जाऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकूँगी गोवा में क्योंकि यहाँ पे भी काम वगैरह सब देखना है, सब कुछ करना है एंड फिर देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, फिलहाल मैं जाके रेडी होती हूँ, बैग पैक करती हूँ, अपना लैपटॉप भी लेती हूँ साथ, मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया था तो वो वारंटी के अंदर है तो वो भी रिपेयर हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें एक साथ करके देखते हैं यहाँ। और फिलहाल मेरा हो चुका है बैग पैक, मैंने कर लिया है चेंज क्योंकि ट्रैवल करना है और यहाँ से अब मैं निकलूँगी पुतनातानी के लिए। यहाँ से पुवनचीना से पुतनातानी बस स्टॉप तक 10 रुपीज़ है, उसके बाद पुतनातानी से तिरुर फिर पहुँच जाऊँगी। ज़्यादा सामान नहीं लिया, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े क्योंकि वापस आना है। और ये एकदम बिल्कुल बाजू में हमारे अकोमोडेशन की मस्जिद है। सो फिलहाल बस नहीं मिल रही है और टाइम हो रहा है क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ, 4 बज रहे हैं और 5 बजे ट्रेन है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं, रिक्शा पकड़ लिया है। फिलहाल तिरुर के लिए बस मिल गई है एंड विद इन 45 मिनट्स आई रीच। फाइनली तिरुर पहुंच गई हूँ मैं, अब यहाँ से मुझे स्टेशन वॉक करना है, 5 मिनट्स का ही है, तो रेलवे स्टेशन तक वॉक करेंगे एंड देन बाद में मिलेंगे। फिलहाल बस स्टैंड से निकल गई हूँ, अब स्टेशन की तरफ भाग रही हूँ, मुश्किल से 15 मिनट बचे हैं मेरे पास, 15 मिनट के अंदर पहुँचना है जैसे भी करके, आई डोंट नो कैसे पहुँचूंगी, कैसे मैनेज करूँगी, प्लेटफॉर्म कौन सा है पता नहीं है, टिकट भी कंफर्म नहीं है, लेट्स सी क्या सीन बनता है। चल के जाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, हालांकि यहाँ से 1 ही किलोमीटर है, बट स्टिल मैंने ऑटो पकड़ लिया क्योंकि बिल्कुल 5 बजे ट्रेन आ रही है एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं है सच बोल रही हूँ, तो सीधा हम लोग स्टेशन पर मिलते हैं, पहले जाके चेक करती हूँ टिकट कंफर्म हुई या नहीं हुई। सो फिलहाल मैं आ गई हूँ तिरुर स्टेशन पे एंड टिकट काउंटर पे चेक करते हैं। सो मैं फिलहाल रेलवे स्टेशन पे पहुँच गई हूँ तिरुर के एंड वहाँ से मैंने ऑटो ले लिया क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास, एंड यहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है कि जो मेरी ई टिकट है वो कैंसिल हो गई है क्योंकि उसकी वेटिंग लिस्ट जो थी वो 18 या 19 कुछ चल रही थी, 81 कुछ था वो, इतना होने के बाद सुबह में जब मैं बुक कर रही थी तब वेटिंग लिस्ट थी 136, फिर वो क्लियर होके 80 तक पहुँची है, एंड आई वॉज होपिंग कि 80 तक पहुँची तो हो जाएगा, 18 या 80 कुछ था, तो वो सारा कैंसिल हो गया, तो मुझे जनरल टिकट अब लेनी पड़ी। अब आई डोंट नो आगे का क्या करना है, तो जनरल टिकट मेरा 210 एंड सुबह में जो था वो 390 कुछ फेयर चार्जेस थे जो कैंसिल हो गए, वो रिफंड 2 से 3 दिन में आएगा इससे, बट लेट्स सी। और ऑन द स्पॉट भी बुक किया था तो ऑब्वियसली वेटिंग में तो जाना ही था। अभी फ़िलहाल जनरल डब्बे का मुझे कोई आइडिया नहीं है, इतना पता है कि हाँ मुझे बैठ के जाना पड़ेगा, पूरी रात का सफ़र है, सुबह 4 बजे मैं पहुँचूँगी एंड आई हैव नो आइडिया। आई सी टी सी से बात करके कुछ अगर पॉसिबिलिटी निकलती है या कुछ अरेंजमेंट होता है तो, बट नो आइडिया। तो ट्रेन आने के लिए टाइम है तो चाय वाय पीते हैं, कभी जस्ट कॉल आया था एंड पता चला है कि ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन है, बहुत ज़्यादा लग गई है मार एंड 3 मंथ्स तक बेड रेस्ट पे आ गई है, बट 3 मंथ्स तक मैं कैसे एडजस्ट करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है वो
राउंड सा क्या है, बड़ा बड़ा? हाँ बड़ा दे दो। एंड यहाँ से चाय, क्योंकि ट्रेन आने के लिए टाइम है, और फिर देखते क्या सीन बनता है। चटनी है? हाँ चटनी है। चटनी दे। और यहाँ काफ़ी डीले के बाद ट्रेन फाइनली जाकर आई, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये क्या रश है, मतलब मुझे बैठने के लिए भी जगह मिलेगी? आई एम डाउटफुल, आई डोंट थिंक सो मुझे मिलेगा, क्योंकि सब तरफ भरा हुआ है। सो हुआ ये कि मैं जनरल डब्बे के पास वेट कर रही थी कि अभी हाँ सब खत्म होंगे तो मैं चढ़ूंगी। मीनवाइल ट्रेन ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया एंड ट्रेन स्टार्ट हो गई। मैं घुस गई इसी वालों कंपार्टमेंट में, जबकि इट्स नॉट दिस थिंग, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड फिलहाल अभी यहाँ पे रुकी हूँ, एंड अगर टीसी आता है तो देखती हूँ कुछ अरेंजमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रेन मिस हो जाती ना तो डायरेक्ट 11:30 की ट्रेन मिलती मुझे, एंड फिर वो तो नॉट पॉसिबल अटेंड करना। तो बेटर है कि यहाँ से ले लो, फिर देखते क्या कर सकते हैं। इसी से बात करना पड़ेगा, देखते आई होप कोई ना कोई सीट मिल जाए। बट इतना है कि चलो हाँ ट्रेन पकड़ ली, आगे का देखा जाएगा। ऑनेस्टली मैंने जितनी तेज़ी से टिकट बुक करी थी ना, उस हिसाब से मुझे ये नहीं था कि मैं ट्रेन भी पकड़ पाऊँ। लाल कैलीकट पहुँचे, एंड कैलीकट से यहाँ से अब पता नहीं, टीसी का वेट कर रही हूँ, होपफुली टीसी आ जाए और टिकट मिल जाए इसके बाद ही। एंड मेरा माइक का टूट गया है, तो अब वॉइस ओवर मुझे करना पड़ेगा घर जाके। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं हमेशा ट्रेन्स को देखती थी और ये सोचती थी कि लाइफ में ना मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँगी, हमेशा से सोचती थी। बट आज जब मैं खुद को देख रही हूँ ना, तो वाकई में मैं इतना ट्रैवल कर चुकी ना, इतना ट्रैवल कर चुकी कि अब मैं ट्रैवल करते करते थक चुकी थी एक पॉइंट पे और यहाँ पे। बट स्टिल मैं ऐसी छोटी मोटी खुशियों को इग्नोर नहीं कर सकती, जैसे ये छोटा बच्चा था, ये मून था, इतना ब्राइट था ना उस दिन। आई लिटरली यू नो आई कुड फील कि हाँ मैं भी उस मून की तरह हूँ, जो अकेली पूरे उसमें खुद से अलग से अपने आप से जूझ रही हूँ, बट पॉजिटिव रहना नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे मुझे सीट वीट तो नहीं मिली थी, तो यहाँ पे मुझे शेयर करी थी इन दीदी ने, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ये मुझे उस दिन पता चला, क्योंकि काफ़ी वो लोगों ने ना एडजस्ट किया सिर्फ मेरे को एक सीट देने के लिए। एंड आई वॉज रियली थैंकफुल यू नो कि चलो बहुत से अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। एंड ऑनेस्टली मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं यू नो अपनी सैडनेस को अपने लाइफ का पार्ट ना बनाऊँ, मैं इग्नोर करूँ उस सैड पार्ट को और हमेशा एक पॉजिटिव साइड को देखूँ। इसलिए आज भी मैं ये जब ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रखूँ, या यहाँ मुझे रोना नहीं है ये सब चीज़ों को लेके, बस खुश रहना है और इन सबको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बट दिस इज़ नॉट माय फुल लाइफ। ऑनेस्टली मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि अगले दिन वहाँ जाने के बाद मेरा क्या नया रूप लेने वाली है लाइफ, मेरी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है, क्या होने वाला है मेरे साथ वहाँ पे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे ये पता था कि मैं हंसते हंसते सब सह लूँगी। मैंगलोर स्टेशन आ गए एंड यहाँ पूरा खाली खाली लग रहा है इस वक्त, पता नहीं है ट्रेन तो 10:15 तक होगी यहाँ पे, अभी हो रहा है 10:15:30 रुकेगी, लेट्स सी। मीनवाइल फ्लाइट अच्छी आ रही है, तमिल पिक्चर हो सकता है मेरा। फिलहाल रात के 2 बज रहे हैं एंड ट्रेन पहुँची है भटकल इस वक्त। सो फाइनली कारवार आ गया अभी, एंड यहाँ से बहुत नज़दीक है मरगांव। है बल्ली और इसके बाद पहुँचेंगे अपन मरगांव। एंड लुक एट द मून, मतलब क्या ही मज़ा है। तो फाइनली वेटिंग लिस्ट में करते करते पहुंच गए, बट अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड इवन दो आई वाज ऑन वेटिंग, आई डिडंट फील लाइक आई वाज ऑन वेटिंग लिस्ट। एंड यहाँ पे आ गया है अपना मड़गांव स्टेशन, प्लेटफॉर्म 1 पे आने वाला है दैट्स फॉर श्योर।
सो फाइनली मड़गांव आ गए अपना एंड अभी हम लोग वेट करते हैं उमर का, उमर आएगा एंड जाऊंगी उसके साथ। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ एंड काफ़ी टायर्ड हूँ, फिलहाल नींद नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई है। सो अब जाके घर पे सीधा मिलती हूँ आप लोगों से, कल की रिपोर्ट कल तक दूंगी, अभी फिलहाल आई गो टू स्लीप। फिलहाल यहाँ पे मेरा फ्राइड राइस और सूप रेडी है सच में, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी है। मैं नहा कर फ्रेशन अप हो गई हूँ एंड सच में इतनी भूख लगी थी और इतना चक्कर आ रहा था, क्योंकि एक तो वेटिंग लिस्ट था और ऊपर से वहाँ पे कुछ भले लोग भी थे जो कि मुझे अपनी सीट दे दिए और एंड देवर फ्रॉम मिलिट्री एंड थैंक्स टू देम, बिकॉज एटलीस्ट फॉर सम आज यू नो आई कुड रेस्ट, वरना हालत ख़राब हो जाती मेरी पूरी तरीके से। बिकॉज पुता नदानी से तिरूर से मड़गांव इज नॉट एन ईजी टास्क, लाइक लिटरली हालत ख़राब हो जाती है। और मैं जब पहाड़ से आते तो पहाड़ का तो ऑलरेडी वो रहता है माइग्रेन। सो फिलहाल अभी खाना खाते हैं और थोड़े घंटे तक सो जाती हूँ मैं, जैसे एक दो घंटे की नींद होगी। 8, 8:30, 9 बजे उठना पड़ेगा एंड अपने काम पे लगना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाके एक बार देख लूँगी, डॉक्टर से बात कर लूँगी, देखते हैं क्या बोलते हैं। फिलहाल ऑपरेशन का बोल रहे हैं एंड ऑपरेशन ऐसा है कि घुटने से लेके एंकल तक चूरा हो गया है एकदम, पता नहीं अभी एग्जैक्टली मैंने सिर्फ फ़ोन पे सुना है, तो वो जाके पता करना है कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और किस टाइप का ऑपरेशन होने वाला है, क्या जॉइंट फिक्स करने वाले हैं या फिर कट करने वाले हैं, अल्लाह ना करे। बट वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लेट्स सी। फिलहाल जाके मैं आराम करती हूँ एंड आप लोगों से सीधा सुबह में मिलती हूँ, सुबह में ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। सेम डे सुबह 9 बजे मैं पहुंची हॉस्पिटल, वहां जाके मैंने हालत देखी तो पता चला कि टांग टूटी हुई है। और फिर हाय हेलो करने के बाद मैंने एक्चुअली मैं डॉक्टर्स और नर्सेज से बात करी, तो हॉस्पिटल में ऐसा हुआ कि वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि मेजर एक्सीडेंट है, बांबोली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने तुरंत उसी शाम को, शाम के 4 बजे हमने बांबोली पहुँचाया, वो भी मारुति वैन में जुगाड़ करके हमने सीटें वीटें निकाल दी, गादी बिछा दी और सीधा ऐसे, क्योंकि हम घुटना उठना बैंड नहीं कर सकते थे, यानी कि नी बैंड नहीं कर सकते थे, तो पैर को स्ट्रेट ही रखना था तो ये करना ज़रूरी हो गया था। फिर हमने वही गादी को उठा के स्ट्रेचर किया, क्योंकि मैं और मेरे भाई ही था जो दो लोग थे हम लोग। फिर थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ये ठाट लोग हॉस्पिटल में भी दिखाते हैं। कैसी सी लग रही है। ऑनेस्टली ये हम बच्चों के लिए बिल्कुल भी असर नहीं था कि दिल पे पत्थर रख के मुंह पे हंसी रख के हम तीनों भाई बहन एक दूसरे का साथ देकर हम लोग पूरा जिम्मेदारियां उठा रहे थे, जबकि पता था कि सामने वाले को तकलीफ ज़्यादा है और उसको उसको तकलीफ अगले 6 महीने तक सहनी पड़ेगी, 1 साल तक सहनी पड़ेगी, पर हम कुछ नहीं कर सकते। दादी है, जब हम मम्मी को हॉस्पिटल में लाए थे कैजुअलिटी में दिखाने के लिए, तो लिटरली स्ट्रेचर के ऊपर हमने वो गादी लगा दी थी और फिर मम्मी को उस पर रखा। लिटरली सारे डॉक्टर बोल रहे कि गादी लेके अंदर घुसे स्ट्रेचर पे। सब देख रहे थे अपने को। तो आज है day 3 और आज मम्मी का नी का ये खोला हुआ है ताकि थोड़ा सा नी बैंड कर सके, बट यहाँ पे देख सकते हो पूरा काला हो गया एंड यहाँ पे वीडियोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं है इसीलिए। मम्मी तुम फुटबॉल खेल रही थी ना, कार को नहीं ठोकी हो तुम, फुटबॉल खेल रही थी ना, वजू में ऐसे वो बास्केटबॉल रमनी हुई ना। तो ये एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट कैसा हुआ, इधर देखो इधर, रोड क्रॉस कर रही थी, गाड़ी पैर पे से निकल गई है लिटरली, यहाँ से ना पूरा क्रैश हो गया, ये हिस्सा यहाँ तक बैंडेड है,
तो ये भी अभी था लेकिन अभी ये काटा है पूरा, एंड नीचे अभी ये फिलहाल आज ऊपर रखा है, कल नीचे था। मेरे से पूछो, मैं डॉक्टर ऐसा ना, मैं तो हाथ लगा रही हूँ, मैं तो हाथ लगा रही हूँ, डॉक्टर छुरी और ये लगाएगा, पहले हथौड़े से ऐसे घुटना फोड़ेगा फिर मैं बोल रही ना, डॉक्टर ऐसा घुटना फोड़ेगा, ऐसा घुटना फोड़ेगा तुम्हारे सामने, तुमको दिखा के फिर इधर स्क्रू मारेगा ऐसा, वो जैसे हम फर्नीचर का कैसे जोड़ते हैं ना, वो हम लोग वो फर्नीचर का हम लोग वो स्क्रू कैसे मारते हैं, गन जैसा, हाँ ऐसा ऐसा मारेगा, फिर इधर काटेगा ऐसा पूरा, हथौड़ी से चूरा करेगा, फिर नवी टांग लगाएगा, मजा आएगा। फिर तुम चिल्लाओगे, हाँ नहीं मत देखो, यूट्यूब नहीं देखो, यूट्यूब मत देखो, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रही हूँ मैं, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ऑपरेशन हो जाएगा तो सुन करेंगे पैर, लेकिन तुम्हारा पूरा क्यों करना है, बच्ची हो क्या तुम, दूध पीती। यहाँ पे हो रहा है मेरा डिनर, सो आज है day 4 एंड मैं पहुँच गई हूँ कामबोली मम्मी को देखने के लिए, और यहाँ पे इतना रश है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है बड़ा। और ये रही हमारी पेशेंट शबाना बानो, आर्सल अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे आर्सल पी रही है सुरु 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 करके। फिलहाल मैं घर पे आ चुकी हूँ एंड ट्रस्ट मी, कुछ दिनों से काफ़ी भी हद तक बिजी चल रही हूँ, मतलब व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही, और ऐसी सिचुएशन भी है ना कि मतलब पैर मम्मी का बहुत ज़्यादा लग गया है एंड घुटने के नीचे पूरा बोन्स वगैरह क्रैश हो गया है, जो मैं आपको कल फुर्सत से बैठ के बताऊँगी। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई, और अभी बज रहे हैं 12, मैं अभी जस्ट घर पर पहुँची और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। मैंने अपने भाई के कपड़े पहन लिए क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे सारे कपड़े जो है वो केरला में, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 जोड़ी में आई थी एंड अब मुझे वापस केरला जाना पड़ेगा, देखते हैं कब प्लान करेंगे, बट ऑपरेशन के बाद ही जाएंगे अभी, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन बोला गया है, फिर ऑपरेशन के बाद 3 महीना तक वो पैर वैर स्ट्रेट ही रखना पड़ेगा, मतलब बैंड भी नहीं कर सकती, तो वो आगे का मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली हुआ और क्या कैसे हम लोग डील कर रहे हैं। बस इतना है कि व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ, एक मोटिवेशन होता है वो ख़त्म हो रहा है, एंड सेकेंडली ये कि टाइम बहुत शॉर्ट हो जा रहा है, सो मे बी आई ट्राई, एंड जो प्रीवियस व्लॉग्स है वो मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि अब मैं घर पे आ गई हूँ, वाईफाई है, पहले नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, वाईफाई का वजह से मैं नहीं कर पाती थी, बट अभी हॉस्पिटल में बैठे बैठे टाइम पास करना होता है तो मैं व्लॉग एडिट कर करके डाल देती हूँ, जब तक मम्मी सो रही होती तब तक मैं व्लॉग एडिट कर चुकी होती हूँ, फिर जैसे उठती है फिर टाइम बिजी हो जाता है, तो ऐसे ही चल रहा है। आप लोगों को मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या, और हो सकता है व्लॉग्स छोटे आ रहे हों तो मैं कंपाइल कर